नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है स्टूडेंट कॉर्नर और हमारे साथ मौजूद हैं युगल भट्ट। सिविल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया है और इस वक्त आप एक कंपनी के साथ जुड़कर फील्ड में काम करते हैं। तो आज हम बहुत विस्तार से दोस्तों जानेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें एक सिविल इंजीनियर का कितना बड़ा रोल होता है, सिविल इंजीनियर्स का काम क्या क्या होता है, इसे थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। युगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर और दोस्तों आप सबको बताते हुए कि हमारे युगल जो है वो जब 11th और 12th में पढ़ा करते थे तब से हमारे रेडियो के लिसनर्स हैं। मोबाइल पे ये हमेशा से ही हमारे रेडियो को सुनते रहे हैं और खुद उस रेडियो तक पहुंचे हैं ढूंढ के कि कहां आखिर इसका दफ्तर होगा, कहां का ये रेडियो है। आज से 4-5 साल पहले 2018-19 में भी रेडियो में लगातार युगल आते रहते थे, यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पर आप सब लोगों के लिए भी कई सारे प्रोग्राम इससे पहले भी लेकर आए हैं। तो आज बहुत सालों के बाद हम युगल से मिले हैं और युगल अभी जॉब कर रहे हैं। हमें देखकर अच्छा लग रहा है कि बाहर पलायन करने की बजाय इन्होंने अपने स्टेट को चुना है, अपने घर के पास ही ये काम ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो युगल, थोड़ा बताएं हमारे लिसनर्स को कि जो सिविल इंजीनियर होता है ना उसका काम क्या है। हाँ, उसके बिना अगर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो कैसा होगा? हाँ जी, उसके बिना कंस्ट्रक्शन होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ना कैलकुलेशन वगैरह चाहिए होती है, सेफ्टी देखनी पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीज़ों का होता है, रेलवे लाइन का होता है, ब्रिज का होता है, डैम का होता है, आपका इरीगेशन वर्क होता है और आपका रेलवे लाइन हो गया, बाकी ये मेट्रो वेट्रो हो गया, ओएचई का काम हो गया, ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चलने का काम होता है। तो बाकी तो उसके बिना कैसे हो पाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, काम करने का तरीका रहता है, थोड़ा एंड्योरेंस रहना चाहिए अपने अंदर, की देखने का स्टैमिना रहना चाहिए, मतलब कि दिन भर कैसे खड़े रहना है वहाँ पर, कैसे लेबर के साथ इंगेज रहना है, लेबर काम करिए उसका मोरल डाउन नहीं होना है दिन, और उसको सेफ भी रखना है, कहीं हेलमेट हेलमेट पहना हुआ है, सबने हेलमेट पहना हुआ है कि जूते पहने हैं, जैकेट पहनी है, सेफ भी रखना है उसको, सेफ्टी देखनी है उसकी, और ये देखना है कि रिटर्न वर्क भी देखना है, मेजरमेंट देखना है सारा, कि मतलब कि रिटर्न वर्क हो रहा है, कि जितना MQ कंक्रीट लग रहा है, जितना पैसा तो आपका आपका लग रहा है 15 MM कंक्रीट लग रहा है, तो वो हो रहा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो देखना, चेक करना है वहाँ पर। पर्ची देखनी है आपकी, एजेक्स मशीन जो आपकी रहती है वो कंक्रीट डालती है, उसमें पर्ची रहती है कि आपकी कितना कितना कंक्रीट डाला, उसमें लिस्ट सब आते जाते हैं, कितना कंक्रीट फेंकती है सब उसमें, सीमेंट सैंड सब उसमें उसका आते जाता लिखा हुआ, वो सब चेक करना है, उसका डेटा बनाना है सारा पूरा, कि जितना माल हमारा आया था उतना लगा, बीच में कहीं घोटाला तो नहीं हो गया, कहीं गायब तो नहीं हो गया, कहीं डीजल गायब तो नहीं हो गया, डीजल ऐसा करते हैं बहुत साइट पर डीजल चोरी करके भेज देते हैं, तो वो भी चेक करना पड़ता है कि डीजल स्टार्टिंग में कितना था, बाकी हमने एजेक्स को कितना डीजल दिया, हमने JCB को कितना डीजल दिया, कैटरपिलर मशीन को कितना डीजल दिया हमने, और ये सब हिसाब भी आप ही को रखना पड़ता है, ये सब रखना पड़ता है हिसाब, बाकी उसके अलावा अकाउंटेंट भी होते हैं, बाकी देखना उनको रिव्यू करना पड़ता है, बाकी RFI बनानी पड़ती है, रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और बाकी ये रहता है कि पॉइंट बने रहते हैं, जैसे रेलवे का काम हो रहा था आपको वहाँ पर पॉइंट बनेंगे, जैसे पूरा एकदम सर्वे कर रहते हैं, पहले सर्वे का पॉइंट बनेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके पूरे। तो जहाँ पर मैं था पहले, प्रोजेक्ट था रेवाड़ी से दादरी तक का, ट्रेन का प्रोजेक्ट था पूरा, अभी भी चल रहा है, मतलब वो रेवाड़ी से दादरी, जी रेवाड़ी हरियाणा में है, दादरी उत्तर प्रदेश में, 128 किलोमीटर का ट्रेन चल, मतलब वो प्रोजेक्ट है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो चलेगी ट्रेन, मालगाड़ी है वो, बिजली से चलेगी, मतलब कमर्शियल है, और अभी उसको LNTA को प्रोजेक्ट दिया गया है, बाकी उसको DFCC को दे देगी बाद में बनाने के बाद, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसको दे देगी। तो ये आपका हरियाणा में फरीदाबाद से पलवल के बीच में प्रथला आता है, वहाँ पर चल रहा है अभी अपना काम, वहाँ पर ऑफिस है बाकी, तो ये लंबा काम है। इसमें अभी जो चल रहा है मतलब वायरिंग का काम चल रहा है अभी, तो कहीं पर वायरिंग चल रही है, बाकी ऑगरिंग, बाकी बाकी ऑगरिंग कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है, जो कास्टिंग कास्टिंग होता है, अब उसमें मास्ट खड़े होने, बिजली के मास्ट, वो हाँ मास्ट जो होते हैं, मास्ट पोल से अलग होते हैं, जो पोल होते हैं हमारे तो सीधे मतलब सिलेंड्रिकल होते हैं, मास्ट थोड़ा अलग होता है, उसमें चढ़ना भी होता है, तो सीढ़ी उन्होंने बने होते हैं वो, अच्छा। स्टील के बने होते हैं मास्ट, ऐसे करके उसमें लेबर चढ़ती है ऊपर, पूरा धूप में ऊपर चढ़ती है, ऊपर जाके वायरिंग करती है पूरा, काफ़ी बड़े होते हैं मास्ट, देखे होंगे आपने, जैसे आप मेट्रो में गए हैं तो आपने देखे होंगे कितने बड़े मास्ट होते हैं, वो ट्रेन के साइड से होते हैं ऐसे करके, तो उसमें टच करता है वायर ऊपर से, वो चलता है फिर वो जी जी। तो उस तरीके से फिर वो ट्रेन चलती है, डीजल इंजन चलती है, तो ऐसे चलेगी तो फिर डिमांड अच्छी हो जाएगी, मतलब जैसे दिल्ली से ना माल आएगा, जैसे कोई सामान आएगा, कमर्शियल गुड्स आएगा, तो वो सस्ता मिल जाएगा, मालगाड़ी चलेगी तो रेवाड़ी से दादरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे लोगों को फायदा होगा, मतलब व्यापार का फायदा होगा, व्यापार का फायदा। LNT कंपनी के साथ जुड़कर आपने काम किया है अभी तक? कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जी जी जी। तो अभी भी आप LNT कंपनी के साथ है? नहीं जी, अभी मैं जा सकता हूँ, मुझे बुला अभी भी रहे हैं कि आप जा सकते हैं, इलाहाबाद में प्रोजेक्ट चल रहा है तो मुझे वहाँ बुला सकते हैं जी जी जी, तो मैं वहाँ जा सकता। कितना चुनौती भरा है एक सिविल इंजीनियर का काम? चुनौती 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे आपने फील्ड में रहना है जी जी। कभी हम 8 बजे जाते हैं और 10 बजे जाते हैं शाम को, कभी 8 बजे जाते हैं, रोज 8 से 8 तो रोज ही होता है, 8 से 10 भी जाते हैं कभी कभी, तो दिन भर कंस्ट्रक्शन, दिन भर ही धूप में रहते हैं, 8 बजे आ जाओ, शाम को 8 बजे चलो, किसी दिन बारिश होगी तो काम बंद हो जाता है, नहीं तो बाकी तो फिर
काम तो ये खड़े रहना होता है फील्ड में। हाँ जी, खड़े रहना होता है, खड़े आपको काम करना है, खड़े चलना भी है, खड़े भी रहना है, मेजरमेंट भी लेना है, सब करना है। जब लेबर काम करे तो आप भी काम करेंगे, इंजीनियर भी खड़ा रहेगा उसके साथ, लेबर के साथ खड़ा रहेगा, तो खड़े खड़े काम मेजरमेंट का काम भी होता है। बाकी जो हमारे सर लोग होते हैं वो आते हैं गाड़ी से आते हैं, बाकी वो हमको पॉइंट दे जाते हैं कि ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पर आपको काम करना है, तो बाकी वो पॉइंट दे जाएंगे, फिर हमको उस पर काम करना होता है मेजरमेंट लेके। गड्ढे की हमको नाप लेनी होती है, कितना गड्ढे की नाप, जैसे आपकी 5 मीटर का गड्ढा है, सीधे से नाप दो 5 मीटर का गड्ढा, उसके बाद चेक करना पड़ता है कि वो जो मशीन जैसे कर रहे हैं गड्ढा कर रहे हैं, ऑगरिंग कर रहे हैं, वो ऑगरिंग जो कर रहे हैं वो टेढ़ा सीधा तो नहीं हो रहा है, टेढ़ा नहीं करना है उसको, वो हमें देखना है कि टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, वो अगर वो टेढ़ा हो जाएगा तो गड्ढा टेढ़ा हो जाएगा, फिर वो पोल टेढ़ा खड़ा हो जाएगा, फिर वो बिजली से चल नहीं पाएगा, मेजरमेंट सब गलत हो जाएगा, क्योंकि चार्ट पूरा बन चुका है, छोटी गलती से पूरा सिस्टम खत्म खराब हो जाएगा, उसको जो काम कर रहा है उसकी सैलरी कट जाएगी, वो दोबारा करना पड़ेगा, फेल हो जाएगा पूरा, वो गड्ढा फिर फेल हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर हर एक बंदा जिम्मेदार होता है जी, या फिर वो जहां पे जो सुपरवाइजर रहेगा वो जिम्मेदार रहेगा जी, वो सुपरवाइजर। तो एक अगर बिल्डिंग का कहीं, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग में अभी आप काम कर रहे हैं, स्कूल बिल्डिंग का अगर निर्माण हो रहा है तो उसमें कितने सिविल इंजीनियर उसमें लगे हैं, क्या एक ही लगा है या ज्यादा लगते हैं? जी अभी तो हम 1, 2, 3, 4 शायद 6 के आसपास लगे हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं, कोई ऑटोकैड में काम कर रहा है, कोई एक्सेल में रिपोर्ट बना रहा है, शायद वो 2 करोड़ का है प्रोजेक्ट वो। अच्छा, तो उसमें काम चल रहा है फिलहाल। अच्छा, तो एक्सेल सीट का काम ऑफिशियल काम भी है? अभी मैं ऑफिशियल कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैंने अभी फील्ड का कर रखा है जी, फील्ड का काम कर रखा है फिलहाल, तो इसमें ऑफिशियल काम भी है और फील्ड का भी है, इसमें ऑटोकैड है। ऑफिशियल में अगर कहें तो क्या एक्सेल में काम होता है? हाँ, एक्सेल में भी है, ऑटोकैड में भी काम है, बाकी कैटीए भी सॉफ्टवेयर होता है, बाकी हमारा ऑटोकैड में काम है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होता है, सिविल इंजीनियर सीख लेते हैं उसको, कॉलेज में सिखाते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो बाहर से सीखना पड़ता है, दुकान में जाओ मतलब कहीं पैसे देके जाओ सीखो, सरकारी कॉलेज में या कहीं भी कॉलेज में मतलब जाओ, वहाँ पे लैब होती है, सिखाया जाता है आपको, ऑटोकैड सिखाया जाता है, मस्ट है ऑटोकैड, आज के टाइम पे मस्ट स्किल है एक ऑटोकैड, वो आपको आनी चाहिए, सिविल इंजीनियर को ऑटोकैड आना चाहिए, आना चाहिए। तो डिमांड प्राइवेट में सीखा? नहीं, मैं गवर्नमेंट में था। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में था। तो वहाँ पे आपने ये सिखा दिया था आपको ऑटोकैड पे काम करना? हाँ जी, ऑटोकैड हल्का आता है, ऑटोकैड कर लेते हैं काम ऑटोकैड में जी जी, वो ड्राइंग का ही होता है, पहले वो होता था ना ऐसे हाथ से करनी पड़ती थी ड्राइंग, अब ऑटोकैड में कंप्यूटर से ड्राइंग, अब बनी बनाई कंप्यूटराइज आ जाएगी। तो जो हम ये बोलते हैं कि जो इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं, एक तरह से वही काम हुआ, हम ऑटोकैड तो करते हैं, जो दुकान खोल लेते हैं ऑटोकैड तो काम ऑटोकैड में ही करते हैं, बस उसके बाद अपना मैप भेज देते हैं बना के, वो कैसे पैसे कमाते हैं, ये रहता है उनका, अपनी कंसल्टेंसी खोल लेते हैं, एक ब्रांच है मतलब, उसमें 3D सारे डायमेंशन से जो है वो बिल्डिंग्स दिख जाती हैं जी। अभी तो हम देख रहे हैं कि शहरों में भी बड़े नए नए स्टाइल से घर बनाने का, मतलब होटल साफ बना रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट बना रहे हैं जी जी, कोई शॉप खोल रहे हैं, तो बड़ी यूनिक सी बनाने का एक आर्किटेक्चर सोचता है ना डिजाइन, उसका ड्रीम रहता है कि ऐसा बनाऊंगा करके, बिल्कुल, और उससे बिल्कुल शहर का नक्शा एक तरह से बदल जाता है, वो उसका ड्रीम, शहर बड़े अत्याधुनिक से लगने लगते हैं, बिल्कुल, जो हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं, उत्तराधुनिक समाज जो है जी जी, जो हम देखते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में किस किस तरह की आड़ी तिरछी बिल्डिंग्स हैं जी जी जी, तो ये वही सब है। हाँ, भारत बोलिए सर, मैम वो आपका सरदार वल्लभ पटेल की जो मूर्ति लगा रखी है उधर, हाँ, आपने देखी होगी, वो L&T ने बना रखी है। अच्छा, वो L&T कंपनी ने ही लगाई है, तो काफी बड़ी और ऑथेंटिक, हाँ, एक भरोसेमंद कंपनी है, इसको वर्ल्ड वाइड कंपनी, इसको काम मिलता रहता है, हर जगह से इन्वेस्टमेंट मिलता रहता है इसको, बिल्कुल, इसका हर जगह दुनिया में काम चलता है, बिल्कुल। तो ये अपने एम्प्लॉइज के लिहाज से कैसी है फिर, अगर आप लोग जैसे काम करते हैं तो सिक्योरिटी बढ़िया है, ये सब क्या मिलता है? हाँ, ऐसा है कि वहाँ पर जैसे ना आपको सेफ्टी क्वालिटी का बहुत ध्यान दिया जाता है इस कंपनी में, जैसे आपको कोई भी लेबर है उसकी हेल्थ खराब होगी तो सेफ्टी सुपरवाइजर रहेगा एक, उसके पास बैग में हमेशा एक फर्स्ट एड किट रहेगी, कुछ भी हो जाएगा तो उसको वो दे देगा फर्स्ट एड किट अपना, जैसे उसको कुछ पैर कट गया, जुकाम हो गया, पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ भी हो गया, तो उसके पास हमेशा सब दवाई रहती है, सांप ने काट लिया, क्योंकि साइड पर सांप भी हो सकते हैं, हरियाणा में तो सांप हो सकते हैं, बिच्छू सांप भी हो सकते हैं, साइड पर कुछ भी हो सकता है, काट लिया किसी ने तो, क्योंकि कौन देख रहा है, कहीं काम कर रहा है किसने काट लिया, तो वो सब रहता है, पूरा मेडिकल सामान रहता है, पूरा फर्स्ट एड किट रहती है सेफ्टी सुपरवाइजर की, उसकी जिम्मेदारी रहती है सेफ्टी सुपरवाइजर की, वो हमेशा साइड पर रहे, देखे कि कहीं से कोई क्रेन ऊपर से तो नहीं गिर गया, ऊपर से कोई पार्ट तो नहीं गिर गया, कहीं गड्ढे में तो नहीं गिर गया लेबर, वो सब पूरा चेक करना पड़ता है उसको, सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया जाता है, सेफ्टी एक बड़ी मस्ट चीज है सेफ्टी, क्योंकि बहुत बहुमंजिला इमारतें भी बनती हैं जी जी, तो उसमें भी बहुत ध्यान देना पड़ता होगा जी जी, सेफ्टी का एक काफी अलग ही फील्ड है, सेफ्टी की पढ़ाई होती है अलग ही, सेफ्टी अलग ही पढ़ाई होती है, उसका डिप्लोमा होता है, अलग स्पेशलाइजेशन है, उसका अलग पढ़ाई होती है, तो वो देखना पड़ता है, लेबर की सेफ्टी देखनी पड़ती है, हर चीज की सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी क्वालिटी अलग चीज होती है, फिर क्वालिटी भी होनी चाहिए, बाकी इसी से तो भरोसा करते हैं कंपनी पे, सेफ्टी क्वालिटी है, बाकी काम तो हर कोई कर लेता है, कंस्ट्रक्शन तो कोई भी कर लेगा, ठेकेदार करेगा कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सेफ्टी क्वालिटी भी तो नहीं, मर गए तो लेबर क्या होगा, लेबर मर गए ऐसा हो सकता है ना, तो वो चीज़ें रहनी पड़ती हैं, वो जिम्मेदारी रहती है सेफ्टी सुपरवाइजर की, तो कंपनी की जिम्मेदारी रहती है कि वो रखेगी सेफ्टी, कोई डेट नहीं होगा किसकी तबियत खराब नहीं, बाकी डॉक्टर भी रहता है, डॉक्टर भी अपॉइंट कर रखा है उसके, मैं तो उसको ले जाओ डॉक्टर के पास ले जाओ, किसी को कुछ हो गया कट गया पैर तो डॉक्टर को ले जाओ, वो दवा दे देगा, अगर आपके फर्स्ट एड के में दवा नहीं है तो अच्छा डॉक्टर के पास चले जाओ, ओके वो दवा दे देगा आपको, इस तरीके से काम होता है। ओके, तो सिविल इंजीनियरिंग का अगर स्कोप की बात करें तो कभी क्या खत्म होने वाला पेशा है कि अरे अब
कंस्ट्रक्शन तो हमेशा चलना है। हाँ जी, तो ये किस तरह का पेशा है, अगर एक तरह से बात करें कि एवरग्रीन है, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ रहना है? हाँ जी, हो सकता है, जब तक आदमी सोच सकता है, ड्रीम है, जब तक बनाने का कुछ ये करना है, वो करना है कि बिजली बनानी है, हमें तो बिजली बनानी तो बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल जहाँ झरने ढूंढने पड़ेंगे हमको, झरने हैं वहाँ जाओ, अपनी टर्बाइन लगाओ, करो, उत्तराखंड में काफ़ी झरने हैं तो वहाँ बिजली बिल्कुल। बनती है, तो काफ़ी करना पड़ेगा वो तो, अगर जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ती है कर्णप्रयाग इंसान, वाली ट्रेन लाइन चल वो रही एल है, एन टी उसका का ही काम है, अच्छा एल एन टी वो का भी ही एल है एन टी वो? का, एल एन टी कर्णप्रयाग डिशीज, वो भी एल एन टी का ही काम है, वो जी भी चल रहा है, जी तो इसको जी प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। ये कंपनी वैसे इंडिया में रखी थी, लेकिन ये बाहर के डेनमार्क के दो भाई थे, जी लार्सन और टूब्रो, उनके नाम पे कंपनी का नाम है। जी LNT। जी, उनके नाम पे ओ कंपनी का नाम है, तो उन्होंने बनाई थी कंपनी बहुत पहले, अब तो मर गए वो, तो इसका सीईओ कोई और है अभी, उन फाउंडर वही थे, वो इंडिया में रहते थे, रेफ्यूजी थे, वो ओ रहते थे, उन्होंने कंपनी बनाई थी, कंस्ट्रक्शन करते थे, मतलब अभी भी भरोसेमंद कंपनी अभी चलती है, तो केवल भारत में ही है अभी, ये बाहर भी वर्ल्ड है? वाइड वर्ल्ड है ये, वर्ल्ड वाइड वाइड हर है। जगह है, वो दुबई का आपका बुर्ज खलीफा है, उसमें वो भी काफ़ी बना रखा है इसने, उसका भी योगदान है, उसमें भी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में अच्छा, एलएनटी का योगदान है, उसमें ओके, कंस्ट्रक्शन भी करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी करती है, मैकेनिकल वाले भी काम करते हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन में, इसमें मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी काम करते हैं, वो भी काम रहता जी है, जी एलएनटी जी हाइड्रोकार्बन भी है, काफ़ी अच्छा, वर्ल्ड वाइड काम चलता है एलएनटी का। ओके। तो अगर हम लोग मानदेय की बात करें, मेहनताने की बात करें, तो कितना शुरुआत में, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, बीटेक की है आपने, या पॉलिटेक्निक करके आप आए हैं, तो कितना पा लेता है एक सिविल इंजीनियर शुरुआत में? मैम ऐसा होता है जिसमें बीटेक करके आपको कैंपस प्लेसमेंट होता है, आपको 40,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है अच्छा, आपकी, और 40,000 अगर आप ऑन रोल होगे तो आप लोग लाइफ लॉन्ग रहोगे इसमें, ऑन रोल अगर आप हो गए, ऑन रोल जॉब अगर आप हो गए तो लाइफ लॉन्ग आप रहोगे, तो फिर बढ़िया रहेगा आपका, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए और इस तरीके से रहेगा। बाकी इसमें हमारे साथ ऐसे भी लोग, ऐसे भी सर लोग आए हुए थे, हमारे जो प्रोजेक्ट इंचार्ज सर थे, वो पहले नहीं प्रोजेक्ट इंचार्ज नहीं, एक हमारे एक और सर थे, मतलब सीनियर सर थे, वो इंडियन रेलवे से आए हुए थे, तो उनको भी बुलाया गया कि आप इसमें आओ करके, प्राइवेट इसमें आओ, एलएनटी में आओ, काफ़ी अच्छी सैलरी थी उनकी, तो 4 लाख पर मंथ, अच्छा तो काफ़ी अच्छी थी कंस्ट्रक्शन, वो भी इंजीनियरिंग थे। जी, तो शुरुआती 40,000 होता है प्लेसमेंट में, जी और अगर वैसे आपने प्लेसमेंट नहीं है कहीं, वैसे आप किसी कंपनी में जैसे कि आप कर रहे हैं, जी ऐसे कर रहे हैं, तो फिर कितना एक अच्छा मानदेय कितना माना जाता है शुरुआत में? आपको 30 मिलेगा, जैसे आपकी ट्रेनिंग पीरियड है, बाद में बढ़ जाएगा जी, आपका अच्छा, पीरियड। धीरे धीरे फिर बढ़ते जी रहेगा, जी तो एक इंक्रीमेंट। अच्छी वेल सम्मानजनक स्थिति में हाँ जी पहुंच मैम, जाते बहुत हैं। सम्मान है, बहुत ज़्यादा सम्मान है, बहुत जी, मज़े भी होते हैं, सम्मान भी होता है, सम्मान की तो बात ही नहीं है, बहुत सम्मान रहता है। अच्छा, ये एक बात आती है कि जो ठेकेदार है उसके साथ बड़ी लॉबिंग होती है कई बार JEE की, आपको उसकी बातें कई बार सुननी पड़ती हैं, अगर वो बोलता है कि इतने एस्टिमेट में साइन करो तो आपको करने होते हैं, आपको कई बार क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं सम्मान में, जी नहीं, ऐसा कुछ तो भी नहीं इस होता तरह के एलएनटी में, दबाव क्या होते ऐसा हैं? कुछ भी नहीं होता एलएनटी में, हमारे यहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब जी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर मैंने भी काम कर रखा है, एकदम बढ़िया काम रहता है, जितना मेजरमेंट रहता है उतना ही काम रहता है, कोई दबाव नहीं रहता इंजीनियर के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर से दबाव रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, गवर्नमेंट का नहीं है ये, तो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसमें बिल्कुल ऐसा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, अपना काम फ्री करते हैं ये, गवर्नमेंट उनको दे देती है भाई प्रोजेक्ट तुम करो, तो अपना काम फ्री करते हैं, ऐसा कि एस्टिमेट कम ज़्यादा, क्योंकि पैसे बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा पैसे हैं, तो कोई ऐसा क्यों करेगा, वैसे मिल रही तो सैलरी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि सरकार जिस चीज के लिए, जिस कंस्ट्रक्शन के लिए जितना पैसा केंद्र से देती है, पूरा जो कहते हैं ना कि लग 1 रुपया अगर केंद्र से आ रहा है तो 10 पैसा उस काम में लग पाता है, जी तो बाकी का जो 90 पैसा है उसका जो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या लगता है कि गुणवत्ता में इससे फर्क पड़ता होगा कि ए क्लास अगर माल आ रखा है कंस्ट्रक्शन के लिए और डी क्लास की बिल्डिंग बन रही है, तो इसका क्या दूरगामी असर नहीं पड़ेंगे हमारे देश में, हम एक जी मैम ऐसा स्थायी? होता होगा, लेकिन अपनी कंपनी में तो ऐसा नहीं होता, क्या पता ऐसा होता होगा अच्छा, मैं गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट जनरल में बात होता, कर हाँ रही हूँ, जनरल आपकी बात में ऐसा कंपनी हो में सकता नहीं? है, हाँ जी, हाँ ऐसा होता होगा, तो इसमें फिर ख़राब हो जाएगी तो ठीक है, फिर वो तो ख़राब ही है, फिर दोबारा बनानी पड़ेगी, एक बार एस्टिमेट बनाओ उसका, वो तो ख़राब है फिर। बिल्कुल, जैसे पुल हैं कहीं गिर जाते हैं, कई जी बार जी जी बनते बनते गिर जी जी जा रहे वो हैं, उसमें सब तो फ्रू क्या घोटाला वजहें रहता है रहती हैं ये सब? मैम, इसमें थोड़ा बेकार प्लानिंग भी हो सकती है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने मतलब कि खराब क्वालिटी का माल डाल रखा है, रिश्वत ले ली, ऐसा भी हो सकता है, तो बाकी तो नहीं तो क्वालिटी वो तो रहना चाहिए, जिम्मेदारी रहती है। आप दिल्ली मेट्रो देखिए कितना बढ़िया कंक्रीट है वहाँ पर, आप देखिए दिल्ली मेट्रो का कोई कोई दरार नहीं कंक्रीट में किसी में, आप पिलर देखिए दिल्ली मेट्रो के, कितना फाइन कंक्रीट है वहाँ पर, एकदम बढ़िया, इतना मजबूत कंक्रीट, तभी तो चल पाएगी उसके ऊपर ट्रेन की, तो गिर जाएगी नीचे, बिल्कुल, इतना तो बढ़िया अगर आप कंक्रीट कोई है। बढ़िया कंस्ट्रक्शन कुछ काम की सोच रहे हैं तो आपको गुणवत्ता रखनी पड़ेगी बिल्कुल उसमें, मैम बिल्कुल, और हमारी लोकल में इस तरह के कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है बहुत ज़्यादा भरोसेमंद, आपका कहना है कि अगर कोई अच्छा कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें बड़ी कंपनियों को बोलना चाहिए? हाँ जी वो तो बोलना चाहिए, लेकिन आप किसी को अपना घर बनाना तो थोड़ा बोल सकता है बड़ी कंपनी हाँ, को, वो नहीं, तो घर बनाना नहीं, जी जैसे अभी हल्द्वानी में भी 2 फ्लाईओवर शायद प्रस्तावित हैं, जी 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 तो देर सबेर क्या आपको लगता है कि बड़ी कंपनियों को ही ये दिए जाएंगे? हाँ अच्छी बात, अगर दिए जाएंगे तो भरोसेमंद काम होगा, अगर दिए जाएंगे तो, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो कितना ज़रूरी होता है एक शहर के लिए इस तरह के फ्लाईओवर्स बनना, इस तरह के बड़े कंस्ट्रक्शंस होना, क्या बहुत ज़रूरी होते हैं अगर हम हाँ जी मैम पर्यावरणीय जरूरी लिहाज होता से है, भी? किसी को ऑटो मिलना है बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा शहर में जॉब है तो लोग कहीं जा रहे हैं सुबह सुबह जा रहे हैं, सब कुछ चाहिए, ऑटो मिले ही नहीं, सब ज़्यादा चाहिए होता है, ऑटो भी चाहिए, ट्रेन भी चाहिए,
और सब कुछ चाहिए, मेट्रो भी चाहिए, तभी तो बना रखी दिल्ली में मेट्रो सब, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ पर काम है, बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए वहाँ पे ये सब बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग फिर सारे ऑटो चले गए, अब किसमें बैठेंगे, ट्रेन बना, मेट्रो बना दी, ऊपर से मेट्रो बना दी, नीचे से रोड चल रही है, फ्लाईओवर सब बना दिए, जनता ज्यादा है, काम ज्यादा है, काम करना है सबको, तो जाना पड़ेगा जल्दी है, उसकी सुविधा के लिए ये सब बना रखा है, वो करना पड़ेगा। तो ये है। तो कोई और संदेश आपका हो सिविल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स के लिए, कोई संदेश हो, कुछ आप बताना चाहें? क्योंकि हम देखते हैं कि पर्यावरणीय लिहाज से हम देख रहे हैं कि हीट स्ट्रॉम इस साल का एकदम एक तरह से पूरा साल भर चला है, कई लोग इसमें मरे हैं, इतनी गर्मी है पूरी दुनिया में, इतना हल्द्वानी शहर आप देखो कितना गर्म हो चुका है, तो ये सब असर जो है वो कंस्ट्रक्शन विकास जो हम कह रहे हैं, बड़े बड़े सीमेंट की कंक्रीट की जो बिल्डिंग हम खड़ी कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ कोई ग्रीन एवरग्रीन कोई तरीका ऐसा हो, कुछ ग्रीन तरीका, कुछ ऑर्गेनिक तरीका जिससे कंस्ट्रक्शन हो सके, कुछ मटेरियल में हम कुछ? हाँ जी, रिसर्च होती है उसके लिए रिसर्च होती रहती है। हमारे IITs में मेरे दोस्त हैं, IITs में काम करते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, कंक्रीट में डालते हैं, एडमिक्सचर डालते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, वो रिसर्च होती रहती है, लैब में लगे रहते हैं ताकि ऐसे मटेरियल हमारे सामने आए, ग्रीन मटेरियल में ऐसा आए, वो आगे हर स्टडी में करते हैं, वो लाते हैं, जो रिसर्च करते हैं वो साइंटिस्ट रहते हैं, वो ला सकते हैं आगे, ये सब होते रहती, कंटिन्यूस रिसर्च होते रहती है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होता है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, तो उसमें वो आता रहता है कि आए ऐसा कुछ नया प्रोजेक्ट, नया कोई मटेरियल ऐसा आए, नया एडमिस्टर ऐसा आए, कभी कभी राख डाल देते हैं, ऐश, फ्लाई ऐश बोलते हैं उसमें, तो और चीजें आती रहती हैं। लाइट वेट की जो ईंटें आई हैं वो जी जो बनती हैं किसी उसकी राख या कुछ ऐसा ही मिला हुआ होता है उसमें? हाँ जी, उसमें मटेरियल देखते थे क्या क्या डालना है, कोई क्या पता कभी कार्बन डाल दिया ऐसे, मतलब चीजें देखते रहते हैं उसमें। अच्छा, उसकी कितनी सेफ, कितना सेफ है वो जो हल्की लाइट वेट की जो ईंटें हैं सीमेंट की, वो हल्की उसको क्या उसको कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं क्या? मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं पता नहीं है मुझे इसका। तो आप लोग ईंटों से ही बनता है पूरा अगर अपना? तो हाँ, ऐसे जितना ईंटों से बनता है, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है अपना तो कंक्रीट का ही एक्सपीरियंस है मुझे, क्योंकि उसमें तो रेल लाइन में जो काम चल रहा है तो उसमें तो कोई ऐसा है नहीं, एक कंक्रीट एक बिल्डिंग बनी हुई है बगल में, वो अपना काम नहीं है, वो बिल्डिंग बनी है बगल में तो वो स्टाफ क्वार्टर है जी, वो बने हुए हैं कंक्रीट के, बने हुए हैं स्टाफ क्वार्टर हैं अपना, तो सब ये कि मिट्टी में काम करो, उसमें होल करो, ओगरिंग करो, कंक्रीट से कास्टिंग करो, तो ईंट अभी तो कम देखी हुई है। तो कितना रिस्की काम है? रिस्की बहुत रहता है, हमारे लेबर काफी मर भी चुके हैं इसमें, तो सेफ्टी वाले बात आती है, सेफ्टी वाले जो सुपरवाइजर रहते हैं उन पर बात आती है कि आप इंजीनियर्स के भी कितना खतरा है, इंजीनियर्स को भी किसी को भी खतरा हो सकता है, सेफ्टी तो देखनी पड़ती है, सेफ्टी की बहुत जिम्मेदारी रहती है, सेफ्टी जो आपका स्टीवर्ड है या सेफ्टी सुपरवाइजर है उसकी जिम्मेदारी रहती है, सब उसको साइड पे होना बहुत जरूरी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसकी सैलरी कट जाएगी ऐसे करके, उसकी सैलरी जितनी एक महीने की सैलरी वो कट जाती है। जो हमारा एक गड्ढा होता है, एक 60,000 का एक गड्ढा होता है, एक होल 60,000 का एक गड्ढा, बाकी ऐसे कितने हजारों गड्ढे करने पड़ते हैं पूरे ट्रैक में, ट्रेन के लिए गड्ढा नहीं होता, ट्रेन के लिए पटरी होगी, ट्रैक होगा, ट्रैक के जस्ट बगल में गड्ढा करना पड़ेगा, उसमें कंक्रीट डालना पड़ेगा, उसमें पोल खड़ा होगा, क्योंकि वो ट्रेन ऊपर तार को छूते हुए जाएगी, बिजली के तार को छूते। ये आप मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं? ये अपने यहाँ भी चल रहा है, मेट्रो ट्रेन भी है अपने यहाँ भी, OHE में काम चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन चल रही है अपने यहाँ भी, अब वही चल रहा है काम, तो मेट्रो भी ऐसी चली है, मेट्रो भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, उसमें लिखा रहता है 25,000 वोल्ट कहीं भी लिखे रहते हैं, मेट्रो ट्रेन आप देखते हैं जहाँ तक हाई करंट रहता है। तो बहुत चुनौती भरा काम है आपका कहना सिविल इंजीनियर का, दिन भर धूप में फील्ड में उसको रहना पड़ता है, जी जी, माप तोल में कहीं कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जी जी, आपको एक्यूरेट चीजें देनी है, जी जी, तो बड़ा चुनौती भरा ये फील्ड है। और कितना लोग आते हैं इसमें, कितना बूम है इसका, कितना लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं? बूम तो ऐसा है कि आप जिसको इंटरेस्ट रहेगा वही आ पाएगा, जो धूप झेल सकता है वही आ पाएगा, जी जी, लोग भाग भी जाते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है तो भाग जाते हैं, नहीं करना क्योंकि धूप में नहीं रहना, तो धूप झेलना जरूरी है, इसके लिए आना चाहिए आपको। पहले इंजीनियरिंग दो होती थी केवल, पहले इंजीनियरिंग एक ही होती थी, मिलिट्री इंजीनियरिंग, सिर्फ एक इंजीनियरिंग दुनिया में, सभ्यता में, मानव सभ्यता में एक ही इंजीनियरिंग थी, मिलिट्री इंजीनियरिंग, बाद में बनी सिविल इंजीनियरिंग, उससे अलग होकर, फिर बनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर ऐसे बनती रही इंजीनियरिंग, बाद में बनी, स्टार्टिंग में सिर्फ एक, पहले से उसी में ये सब मर्ज होंगे। हाँ, स्टार्टिंग में पहले सबसे सब में मर्ज थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग में सब मर्ज था पहले, उसके बाद अलग से मिलिट्री में आप रहते हैं कि डिफेंस पर्सनल रहेंगे तो उनके लिए ब्रिज बनाना है, वो सब करना है, लेकिन आप जो सिविल पर्सन है उनके लिए भी बनाना है, तो उनके लिए डिफरेंट ब्रांच बनाई गई, डिफरेंट ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, तो इसलिए मिलिट्री वाला है अभी विंग। हाँ जी, मिलिट्री वाले, मिलिट्री वाले हैं तो मिलिट्री के लिए ही करता होगा, जो आपके IES ऑफिसर्स हैं वो उसमें जाते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जाते हैं, वो मिलिट्री के लिए काम करते हैं, मिलिट्री वाले बहुत जल्दी काम करते हैं, तुरंत ब्रिज बना देते हैं, तुरंत गाड़ी को एकदम खोल खाल देते हैं, बंद भी कर देते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स। अच्छा, बहुत तेज काम करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स। क्या कारण है इसका कि सिविल वाले कम कर पाते हैं, मिलिट्री वाले एकदम कर लेते हैं? अब उनकी हाई क्वालिटी रहती है ना, मिलिट्री वाले की हाई क्वालिफिकेशन रहती है, मिलिट्री को तो बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए अपना, इतना जितना सिविलियंस को नहीं चाहिए, सिविलियंस तो उतना नहीं रहेगा, एक सिविलियन आदमी जो रहेगा वो उतना मुस्तैद थोड़ा रहेगा, मिलिट्री वाले को तो मुस्तैद रहना, अपनी जान पर खेलना है उसको, तो
तो वो तो उसको तो बहुत ज़्यादा अपने फर्ज के लिए रहना है, अपने खड़े रहना है उसको। तो इंजीनियर तो ऐसे रहते हैं, काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं वहाँ पर, मिलिट्री इंजीनियर्स तो काफ़ी रहते हैं वहाँ की। तो युगल आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी पहले कर रहे थे, अभी आप कुछ पढ़ने के लिए वक्त निकाल पाते हैं अपना? हाँ, मैं ये बुक लाया हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की बुक लाया हूँ, अपने इस कॉन्सेप्ट की इसी को पढ़ते रहता हूँ। अपनी अपने फील्ड में आ गया मैं, चलो इसी में आते हैं जी। तो इसमें आगे के लिए आपके लिए कोई एग्जाम अगर देना चाहें, सरकारी नौकरी अगर लगे इसमें कहीं, तो कौन कौन से एग्जाम होते हैं और कब कब होते हैं? मैम इसमें एग्ज़ाम होते हैं, गेट का होता है, गेट से तो आप आगे जाके अगर आपके गेट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप जैसे IOCL हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ऐसे करके PSU में जा सकते हैं आप जॉब करने, PSUs में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वहाँ जा सकते हैं आप। बाकी BHEL हो गया, बाकी ये तो इलेक्ट्रिकल के हैं, सिविल के शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रहे हैं अभी, तो इसमें आप जा सकते हैं। बाकी इसमें अगर आपका IAS का एग्ज़ाम है तो आपको देना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कोई लोग घर बैठ कर लेते हैं, कोई कोचिंग जाते हैं जी IAS के एग्ज़ाम के लिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो वो एक सर्विसेज का एग्ज़ाम है, भारत सरकार का है, वो IAS परीक्षा की इक्विवेलेंट है जी, IAS के इक्विवेलेंट, क्योंकि उसकी सारी सर्विसेज उसी के अंदर हैं, IAS, IES, IFS, IRS, काफ़ी सर्विसेज, IPOS, IPS, ऐसा करके काफ़ी सर्विसेज हैं भारत की, तो उसके वो फिर सर्विसेज में आ जाता है आप सर्विस की जॉब। इसके अलावा और कौन से एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे? बाकी तो मुझे ये पता है कि JEE के होते होंगे, जैसे स्टेट लेवल के JEE के होते होंगे, AE के होते होंगे जी, बाकी इतना होता होगा इस सरकारी। और अगर नहीं तो फिर कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करनी हुई, अगर आपने प्राइवेट कंपनी तो आपको कॉलेज प्लेसमेंट हो जाता है, कॉलेज आपका अच्छा कॉलेज अगर रहेगा तो प्राइवेट कंपनी आ जाती है प्लेसमेंट के लिए, आपको डिमांड रहती है आपकी, तो आपकी मार्केट में डिमांड रहेगी तो आप आ सकते हैं। तो युगल चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहें हमारे तमाम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रेडियो के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? रेडियो आप सुनते रहे बचपन से? हाँ जी मैम, रेडियो हेलो हल्द्वानी के लिए आप कुछ कहें? हेलो हल्द्वानी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अपना जो अपना ड्रीम है उसमें आगे चलो, जो करना चाह रहे हो बचपन से कर रहे हो उसको करो, आगे आगे करते रहो उसको, जो है बढ़िया करो, जिससे कि आगे और सही हो, आगे थोड़ा रास्ता दिखे लोगों को। बिल्कुल जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी सारी सिविल इंजीनियरिंग की बातें साझा करने के लिए युगल जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारी इस बातचीत को सुनने के लिए। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, Facebook पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।